नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पहला महत्वपूर्ण बिंदु होगा एनआरए के संबंध में। आप सभी को मालूम होगा कि ग्रुप बी और सी सेवाओं के लिए साझा परीक्षा कराने की योजना अंतिम चरण में है। एनआरए का गठन किया जा रहा है जो कि बहुत जल्द ही गठित हो जाएगी। इस एजेंसी के संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का क्या कहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के संबंध में। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट की घोषणा कब तक होगी, परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या कहा। इसके बारे में मेरे द्वारा आपको पहले ही जानकारी दी गई है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जब लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से भर्तियों से संबंधित सवाल पूछे गए और कम से कम 4 से 5 सवाल पूछे गए, उन चारों पांचों सवालों के मंत्री जी ने क्या जवाब दिए हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात एनआरए के संबंध में। जैसा कि आप सभी जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जा रहा है, सरकार इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इस एजेंसी के तहत कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के तहत होने वाली ग्रुप बी और सी सेवाओं के लिए साझा परीक्षा कराने की योजना चल रही है जो कि अंतिम चरण में है। सरकार की मंशा है कि इस साल के अंत तक इस एजेंसी का गठन कर दिया जाए। 2021 की शुरुआत में एजेंसी के जरिए सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन साझा प्रारंभिक परीक्षा शुरू कर दिया जाए। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है जितना जमीन और आसमान का होता है। सरकार द्वारा जो कहा जाता है वह तय समय सीमा पर नहीं किया जाता है, और जब कोई काम तय समय सीमा पर नहीं हो पाता है तो उसे बाद में क्या कह दिया जाता है, जुमला। यह एक जुमला था। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात एनआरए के संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि यह एक तरह से बड़ा सामाजिक व आर्थिक सुधार साबित होगा। इससे बार बार परीक्षाओं का बोझ और खर्च कम होगा, विशेष रूप से उन छात्रों को मदद मिलेगी जो कई बार दूसरे जिले में सेंटर होने के चलते परीक्षा नहीं दे पाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन परीक्षा केवल प्री एग्जाम के लिए होगा या अगले चरण की परीक्षा के लिए कटाव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने साथ साथ यह भी कहा कि प्रस्तावित योजना के तहत हर जिले में सेंटर होंगे, छात्र अपनी इच्छा अनुसार ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर चुन सकते हैं। तो आप सभी अपनी राय दें, क्या इस एजेंसी के जरिए समय सीमा पर परीक्षा का आयोजन हो पाएगा? क्या इस एजेंसी के जरिए समय सीमा पर परिणाम जारी हो पाएगा? क्या इस एजेंसी के जरिए समय सीमा पर ज्वाइनिंग हो पाएगी? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के संबंध में। आप सभी को मालूम होगा कि जब तक एजेंसी का चयन नहीं होगा तब तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट की घोषणा नहीं होगी, और जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो एग्ज़ाम डेट की घोषणा कब तक होगी, परीक्षा किस महीने आयोजित की जाएगी, इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के संबंध में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, क्योंकि लोकसभा में भर्तियों से संबंधित उनसे कई सवाल पूछे गए थे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला सवाल था, क्या भारतीय रेलवे में निकली भर्तियों में कोई क्षेत्रवार या राज्यवार क्राइट एरिया था? अगर था तो बताएं। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने
कहा नहीं। भारतीय रेलवे में पैन इंडिया आधार पर भर्तियां करवाता है। कोई भी उम्मीदवार किसी भी आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से दूसरा सवाल पूछा गया कि कौन सी रेलवे भर्ती परीक्षाएं पिछले साल नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद अभी तक आयोजित नहीं हुई हैं। इस पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि तीन भर्ती परीक्षाएं जिसका आयोजन अभी तक नहीं हुआ है, एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड पोस्ट कैटेगरी व रेलवे ग्रुप डी लेवल वन। आने वाले महीनों में इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से तीसरा सवाल पूछा गया कि किन वजहों से एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अभी तक नहीं किया गया, परीक्षा टाइम पर कराने के लिए क्या कदम उठाए गए। इस पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि उन परीक्षाओं का आयोजन करने को लेकर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी अर्थात ईसीए के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। ईसीए फाइनल होने के बाद परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी। आरआरसी ग्रुप डी के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। तो आप सभी मानकर चलिए कि अभी एक से डेढ़ माह का वक्त लगेगा, जैसा कि मेरे द्वारा आपको पहले ही बताया गया है, और 25 अप्रैल के बाद परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। जो जानकारी मिली है, पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जून के पहले किसी भी कीमत पर परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, इसके बारे में मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया है। परीक्षा अक्टूबर तक जा सकती है।